तो हाँ गाइस, कुछ दिन बाद होली आने वाली है, तो होली के लिए मैं अभी से होली का गैजेट बहुत सारा खरीदना स्टार्ट कर दिया हूँ। और आज के वीडियो में हम लेके आए इतना बड़ा बॉक्स, और इस बॉक्स के अंदर बहुत सारे होली का गैजेट है। तो चलिए मैं इस बॉक्स को ओपन करता हूँ और देखता हूँ कि इस बॉक्स के अंदर कौन कौन सा चीज हमको कौन कौन सा गैजेट मिला है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो मैं बॉक्स को सबसे पहले फाड़ लेता हूँ। तेरा मेरा कटर, और इसको मैं गाइज, अगर इसको आपको परचेज करना है तो इन सब चीज़ों का मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग इसे इजीली परचेज कर लेना। तो गाइज, मैंने अपने बॉक्स को ओपन कर रखा हूँ, और सबसे पहले मेरे को मिलता है गाइज, ये देखिए बैलून, जो कि इस पर लिखा है हैप्पी बेबी बैलून, और ये हमको करीब अब 60 सेकेंड के लिए मिलता है। और यहाँ लिखा है फुल एंड टाइम वाटर बैलून करके, और इसकी कलर देखिए गाइज, काफ़ी विभिन्न विभिन्न कलर का है, और इसमें 111 पीस दिया है। और ये जो बैलून है गाइज ना, ये इसमें वाटर को भर के इसको चलाना होता है। तो चलिए मैं इसको साइड में रखता हूँ और देखता हूँ इसके साथ हमको क्या क्या मिला है। तो इसके साथ में गाइज मिलता हमको एक इतना बड़ा सा, ये हमको लगता है कि इसमें वाटर भराएगा, और तो इसको मैं साइड में रखता हूँ। और इसके साथ गाइज ये देखिए, ओ भाई, ये हमको लगता है गाइज ये पिचकारी है, वाटर पिचकारी, इसको मैं पन्नी से बाहर निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो गाइज ये रहा मेरा वाटर पिचकारी, हमको लगता है ये इसमें ऐसे लगता है और ये चलाया जाता है, और इसको मैं साइड में रखता हूँ। इसके साथ साथ गाइज ये देखिए, ये सबसे यूनिक हमको लगता है कि एक टोपी है एक, और इसमें अन्य अन्य कलर, विभिन्न कलर का टोपी है। तो मैं इसको पहन लेता हूँ एक बार, पहन के आपको दिखाता हूँ मैं कैसे लग रहा हूँ। तो गाइज मैं कैसे लग रहा हूँ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, यार बहुत मस्त लग रहा है। उसके साथ गाइज यहाँ देखिए, यहाँ भी बहुत सारे कलर का हमको टोपी मिल जाता है। इसको मैं पोलथीन से बाहर निकालता हूँ, तो देखिए ये भी विभिन्न विभिन्न कलर का है, और इस पर भी देखिए लिखा है शुभ होली करके। तो एक इसमें से भी आपको पहन के मैं दिखाता हूँ, तो इसको मैं फिलहाल निकाल देता हूँ, और देखिए ये ऐसे पहना जाता है। कैसा लग रहा है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और फिलहाल इसके बाद तो और कुछ है नहीं, तब इसमें डब्बे को साइड में रखता हूँ। और तो चलिए अब देखते हैं कि इस पोलथीन में जो मिला हमको वाटर बैलून गन, इसको मैं आता हूँ उसके अंदर, देखता हूँ कि मेरे को किस तरह इसमें पानी को भरना है और किस तरह अपने गन को यूज करना है। तो सबसे पहले मैं इसको फाड़ लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो ओ भाई, मिल जाता है, और हमको लगता है यहाँ से इसमें सब में वाटर भरा जाता है, जिससे हमारी जो बैलून है इतना बड़ा बड़ा हो जाती है। और इसके साथ में गाइस ये देखिए, एक हमको ये मिला है, इसमें हमको लगता है ऐसे कस के हमारे बंदूक में लगता है। इसको मैं साइड में रखता हूँ, और थोड़े अपने बंदूक के फीचर के बारे में बात करते हैं गाइस। ये देखिए, ये रहा मेरा बंदूक, जो कि एक पिचकारी गन है, और ये हमको ऐसे ऐसे रिलोड करके चलाना पड़ता है। उसके साथ गाइस देखिए, यहाँ इसका ट्रिगर दिया है, तो मैं इसको ऐसे लगा के आपको दिखाता हूँ एक बार ऐसे ही। तो देखिए गाइस, अब आपको ये देखने में लग रहा होगा पिचकारी गन, इसका आप एक बार कलर देखिए, और इसकी क्वालिटी भी ठीक ठाक है। तो गाइस इसे अगर आपको परचेज करना है, तो फिर से एक बार बोल देता हूँ कि इसका लिंक मैं सब गैजेट का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जाके इसे परचेज कर लेना। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए गाइस, मैं अपने पिचकारी को साइड में रखता हूँ, और जो ये बैलून मिला है इसमें मैं वाटर को भरता हूँ फिर। तो गाइज फाइनली मेरे पास वाटर आ चुका है, तो चलिए मैं इस वाटर को गन के इस वाले डब्बे में भरता हूँ, और फिर इसको चलाता हूँ भर के। तो चलिए सबसे पहले मैं भर लेता हूँ इसमें वाटर। तो गाइज यार, इस डब्बे से भरने में तो परेशानी हो रही है, देखिए पानी वो गिर जा रहा है बार बार, लेकिन आप लोग चाहें तो इसे पिचकारी से भी आसानी से यहाँ भर सकते हैं, पिचकारी इसमें लगा कर, या किसी जग उग से भी भर सकते हैं। तो मैं फिलहाल इस डब्बे से ही इसको भर के आप लोग चला के दिखाता हूँ।
तो चलिए मेरा डब्बा में पानी पूरी तरह से भर गया है और मैं अपने फाइनली गन में इसको ऐसे लगाता हूँ, फिर चला के आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस इसके लिए आप लोग एक लाइक वीडियो को जरूर कर देना। और देखिए मेरा पूरी तरह से ऐसे सेट हो चुका है और इसको चलाना गाइस बहुत ही आसान है, क्योंकि सबसे पहले आपको इसको बार बार ऐसे करना पड़ता है। जब इसको बार बार ऐसे करोगे तो इसमें ऑटोमेटिक एयर भर जाता है यहाँ पर, फिर यहाँ से मेरी जो वाटर होती है बाहर की तरफ निकलता है। तो मैं सबसे पहले इसको मैं एयर इसमें भर लेता हूँ। ये तो गाइस देख सकते हैं आप लोग इसमें से जो कितनी आसानी से मेरा वाटर निकल रहा है बाहर की तरफ, और जैसे ही इसमें का एयर ख़त्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ से पानी निकलना बंद हो जाता है। तो चलिए गाइज मिलते हैं एक अगले मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।